गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक लेंगे जो कि है हमारा नियंत्रण एंड समन्वय। नियंत्रण एंड समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने सोचा कि हमें क्या करना है, जैसे मैंने सोचा कि मुझे क्या पढ़ाना है और मुझे यहाँ पे लिखना है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आ। तो ये क्या है, मेरे दिमाग ने सोचा कि मुझे आ लिखना है, और कंट्रोल कैसे हो रहा है, जैसे मेरे दिमाग ने सोचा कि मुझे यहाँ पे लिखना है, मेरे हाथ यहीं पे जा रहा है, मुझे आ लिखना है, तो मेरे हाथ क्या इसी तरह से काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मतलब जो हमारा दिमाग सोच रहा है, हमारी बॉडी क्या उसके अकॉर्डिंग चल पा रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं होता तो क्या होता है, हमारा दिमाग सोचता है कि मुझे यहाँ लिखना है, मेरा हाथ यहाँ ना जाके यहाँ जा रहा होता या कहीं और जा रहा होता। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो होती है नियंत्रण एंड समन्वय। तो ये नियंत्रण या समन्वय जो जंतुओं के शरीर में होता है वो किस तरह से होता है, तो नियंत्रण एंड समन्वय जो होता है हमारे शरीर में वो होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा। और इसमें जो दूसरा रोल प्ले करता है वो होती है हमारी पेशियां। तो हमारे शरीर में जो नियंत्रण या समन्वय का काम करते हैं वो करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र और पेशी उत्तक या पेशियां। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र जो होती हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका, या इसी को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। यानी कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण का जो काम करता है वो करता है तंत्रिका तंत्र, और पेशियां जो है मिलके ये काम करती हैं। और तंत्रिका तंत्र जो है बहुत सारी इकाइयों से मिलके, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यानी कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र है इस तरह की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये, या न्यूरॉन की बात करें तो ये क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की जो होती है संरचनात्मक और दूसरी क्या होती है क्रियात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई मतलब एक एक चीजों से मिलके जो बनी होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब कि प्रत्येक न्यूरॉन, इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं जो आपस में मिलती हैं तो मिलके क्या बनाती हैं, तंत्रिका तंत्र बनाती है। यानी हजारों लाखों जो तंत्रिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आपका तंत्रिका तंत्र बनती है। तो क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब हो गया, हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है और कंट्रोल का काम करता है। तो जो पूरा फंक्शन हमारी बॉडी में क्या तंत्रिका तंत्र कर रहा है, उसका प्रत्येक एक फंक्शन जो है हमारी जो है प्रत्येक एक न्यूरॉन जो जब प्रॉपरली ढंग से फंक्शन करती है, तब जाके हमारा जो एक तंत्रिका तंत्र है वो ढंग से फंक्शन करता है, और हमारी बॉडी में ढंग से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है। यानी बोलने का मतलब हमारी बॉडी जो ढंग से फंक्शन कर पा रही है वो कर पा रही है कि हमारी बॉडी के प्रत्येक एक न्यूरॉन क्या है ढंग से काम कर रहा है, प्रत्येक एक कोशिका ढंग से काम कर रही है। जब ये कोशिका प्रत्येक ढंग से काम कर रही है तो हमारी जो है तंत्रिका तंत्र ढंग से काम करता है। तंत्रिका तंत्र ढंग से काम करते हुए हमारी मांसपेशियां या जिसे पेशी उत्तक कहा जाता है ये काम करते हैं, जिससे हमारे पूरी की पूरी बॉडी जो है ढंग से काम कर पाती है। तो ये तो क्या हो गया तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब बात करते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो कैसे बना हुआ है। एक तो बात होगी कैसे बना है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना होती कैसे है, ये कैसे परफॉर्म करती हैं, कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती हैं। तो ये आपको जो यहाँ पे दिख रही है ये हमारे तंत्रिका तंत्र, या क्या है ये न्यूरोन की संरचना है, जिसका काम क्या है हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है। तो न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, ये जो आपको इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये क्या है, इसकी डेंड्रॉन्स है। पहले इसके नाम जान लिए, ये क्या है, इसके डेंड्रॉन्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं धूम्राकृतियां भी कहते हैं। डेंड्रॉन से आपको यहाँ अंदर एक कोशिका दिख रही होगी जिसे हम कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय के सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, ये इसका क्या होता है केंद्रक होता है। ये क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक से या कोशिका काय से आपको एक सीधी जाती हुई एक संरचना दिख रही है। हम इस पूरी संरचना को यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये संरचना है इसको हम क्या कहते हैं तंत्रिका कक्ष कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है एक्सोन कहा जाता है। तंत्रिका कक्ष के अंत में आपको कुछ इस ब्रांच टाइप का दिख रहा होगा, इन जो ब्रांच है इनको तंत्रिका सिरा कहा जाता है। तंत्रिका सिरा के अंत में आपको कुछ इस तरह की क्या
नोड दिख रही होंगी या पुटिकाएं जैसी संरचना दिख रही होंगी, जिसे हम तंत्रिक जिन जिसको हम सिनेप्टिक नोड्स या सिनेप्टिक पुटिका कहा जाता है। अब इनका काम क्या है, हमें सबसे पहले क्या दिखना है, जो हमारे तंत्रिका कक्ष, पहले ये जान तंत्रिका कक्ष, तंत्रिका जो होती है कहाँ होती है, ये जो तंत्रिकाएं स्थित होती हैं ये हमारी कहाँ होती हैं, जितनी भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे होती हैं, यानी कि हमारी क्या होती हैं जो ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन को क्या कहा जाता है हिंदी में, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान त्वचा जीभ, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र या न्यूरोन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरोन होते हैं। ये जो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि हमारी क्या होगी त्वचा होगी, हमारी क्या होगी जीभ होगी, इसी तरह हमारी क्या होगी आँख होगी, तो यहाँ पे क्या होती हैं बहुत सारे क्या होते हैं आपके न्यूरॉन्स होते हैं। इस न्यूरॉन इन न्यूरॉन के जो डेंड्रॉन्स होते हैं, जो आपको इस तरह की जो संरचनाएँ दिख रही हैं न्यूरॉन सी, ये डेंड्रॉन जो होते हैं यहाँ, जैसे कि ये हमारी क्या है स्किन है, तो यहाँ पे क्या होती हैं डेंड्रॉन्स इस तरह से आके रहते हैं। तो ये डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, संरचना सूचनाओं को क्या करते हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं उससे ग्रहण करते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ें तो जो ये क्या होते हैं हमारे डेंड्रॉन होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं धूम्रीकृत कह रहे हैं, तो ये इनका काम क्या होता है पर्यावरण से, या जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं उनसे क्या करते हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना, और ग्रहण करके क्या करते हैं, जैसे ही सूचनाओं को ये ग्रहण करते हैं, इन सूचनाओं को क्या करते हैं, इन कोशिका इस कोशिका में भेजते हैं, किसकी कोशिका में, जो हमारा न्यूरॉन का कोशिका काय है या सेल बॉडी है उसमें भेजते हैं। इसमें आपको ये बारीक बारीक से ग्रेनुल्स दिख रहे हैं जिनको क्या करते हैं हम नीसल ग्रेनुल्स कहते हैं, ये आपके कोशिका काय में भी पाए जाते हैं और आपके कहाँ पाए जाते हैं डेंड्रॉन्स में भी पाए जाते हैं। तो ये जो डेंड्रॉन्स है यहाँ पे माना हमारे क्या थे, यहाँ में हमारी कोई सेंस ऑर्गन थी, डेंड्रॉन ने सेंस ऑर्गन से क्या सूचना को ग्रहण करा, सूचना कैसी हो उसे ठंडा गर्म जो भी उसे मिला पर्यावरण से, उसने सूचनाओं को ग्रहण करा और उसके बाद कहाँ भेज दिया कोशिका काय में भेज दिया, कोशिका यानी सूचना, यहाँ से उसने सूचना को ग्रहण करा, डेंड्रॉन ने सूचना को ग्रहण करा उसके बाद कहाँ भेज दिया उसने कोशिका काय में, किसकी कोशिका काय में, न्यूरॉन की कोशिका काय में या इसकी सेल बॉडी में भेज दिया। कोशिका काय से ये आगे जो है एक्सोन में ट्रांसफर होती है, कोशिका काय से ये क्या होती है आपके एक्सोन या आपके तंत्रिका कक्ष में चली जाती है, तंत्रिका कक्ष में चली जाती है, और तंत्रिका कक्ष के बाद ये जो है आपके तंत्रिका सिरा में जाती है, यहाँ से जाते हुए कहाँ जाएगी तंत्रिका सिरा में चली जाती है, और तंत्रिका सिरा से आपके लास्ट में जो है कहाँ चली जाती है सिनेप्टिक पुटिका में चली जाती है, सिनेप्टिक पुट्टिका में चले जाती है, सिनेप्टिक पुट्टिका के बाद क्या होते हैं यहाँ पे क्या होगा कोई दूसरा क्या होगा एक्सोन होगा कोई यहाँ पे, जिसके इस तरह की क्या होंगे डेंड्रॉन्स निकली होंगी, तो यहाँ से क्या होती है ये दूसरे एक्सोन क्या करते हैं इसको ग्रहण कर लेते हैं, और इसके तरह फिर से यहाँ से संरचना शुरू होते हैं, लास्ट में फिर से ये पुट्टिका ही होंगी, पुटिका इस तरह से बहुत सारे एक के बाद क्या होती है सूचना पास होती रहती है, लास्ट में क्या होगी यहाँ पे अगर आपको ब्रेन से पास करा रही है तो हमें क्या करना है किसी पेशी उत्तक को, मतलब किसी हाथ को पैर को या किसी भी उत्तक को हमें काम कराना है, तो ब्रेन से अगर सूचना उसने ली और फिर उसे लास्ट में कहाँ गई हमारी पेशी उत्तकों में चली जाती है, और पेशी उत्तक क्या करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं काम करते हैं, यानी पुटिका में जाते हैं और वहां से लास्ट में अगर हमारे पेशी उत्तकों में पहुंचना है तो पेशी उत्तक में अगर हमें ब्रेन में मैसेज पहुंचाना तो ब्रेन में चले जाते हैं, हम पेशी उत्तक ले लेते हैं, पेशी उत्तक में पहुंचते हैं, ये क्या करती है ये कार्य करती है हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से कार्य करती है, तो ये सूचनाओं को भेजती है, सूचनाओं को भेजती कैसे होता क्या है कि डेंड्रॉन जो है सूचना को ग्रहण करता है, ठीक है, जैसे डेंड्रॉन ने ग्रहण किया तो यहाँ पे डेंड्रॉन में क्या सूचना ग्रहण होने के बाद इसमें एक प्रोसेस होती है, क्या होती है जो सूचनाएं होती हैं वो जो होती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें केमिकल प्रोसेस होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जो मैसेज लिया था उसे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल्स फॉर्म में क्या करती है सेल बॉडी में भेजती है, सेल बॉडी में उसके बाद वो जो होते हैं केमिकल फॉर्म में उसे ट्रैवल करने में टाइम लगता है, तो जल्दी से उसे क्या करते हैं
करंट देखा है ना, करंट जैसे ही हम क्या करते हैं बटन खोलते हैं तुरंत पहुंच जाता है बल्ब तक, और तुरंत हमें क्या देता है एनर्जी देता है, रोशनी देता है। उसी तरह से जो केमिकल फॉर्म में भेजने में टाइम लगता है, तो हमारी बॉडी इतनी देर होगी तो हमें क्या घंटों पहले हमें मैसेज पहुंचेगा, घंटों बाद क्या परफॉर्म करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो केमिकल्स है वो जल्दी से क्या होते हैं विद्युत फॉर्म में, विद्युत आवेग में क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। हमें ये नहीं हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं जानना कैसे होता है, बहुत लंबी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होता है हमारी बॉडी, क्लोराइड चैनल्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो होता है ये पूरा प्रोसेस होता है, हमें होता क्या क्या है वो जानना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सूचना को ग्रहण करने के बाद वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद क्या विद्युत आवेग में कन्वर्ट होती है। विद्युत आवेग में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्सोन में जाती है, यहाँ से सूचना को क्या पास करा जाता है आपका कोशिका काय में, फिर एक्सोन में, एक्सोन से दोबारा कर तंत्रिका शिरा में, और उसके बाद कुछ विशेष रासायनिकों का क्या करता है विमोचन करता है, कौन कौन नॉब्स, यहाँ पे जगह यहीं पे लिख देती, जो नॉब्स होता है वो क्या करते हैं रसायनों का विमोचन करती, विमोचन मतलब मुक्त करती है। जो यहाँ पे जैसे यहाँ से क्या मैसेज आया विद्युत फॉर्म में आया, यहाँ पे क्या होता है कुछ क्या होता है तरल पदार्थ ग्रेनुल्स बॉडी है, यहाँ पे वो क्या इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ से फिर क्या होता है ये रसायन के फॉर्म में केमिकल के फॉर्म में यहाँ से क्या होते हैं मैसेज को रिमूव करती है। यहाँ पे होता क्या है जैसे कि ये एक ग्रेनुल्स होगी, यहाँ पे कोई रिसेप्टर्स होता किसी दूसरे न्यूरोन्स का, तो इसमें जो ये क्या मैसेज जो ये रसायन को विमोचन करेगी, तो ये जो ग्राही होती है दूसरी ग्राही ये इसको क्या करती है फिर से ग्रहण करती है, वापस से यहाँ पर फिर से रासायनिक क्रिया होती है, यहाँ पे क्या विद्युत फॉर्म में इसको ट्रैवल करा देती है, पास करा देती है, दोबारा ये पूरी प्रोसेस दोबारा चालू हो जाती है। इस तरह से जो सूचना है वहाँ से जाते हुए ये कहाँ चली जाती है विद्युत फॉर्म से जाते हुए लास्ट में ये हमारी क्या पेशी ऊतक में पहुंच जाती है, पेशी ऊतक जैसे हम चाहते हैं उस तरह से हमारा पेशी ऊतक क्या करता है काम करता है। दूसरा है यहाँ पे एक चीज, जो ये रसायन विमोचन होता है इस रसायन को कहते क्या है, ये जो रसायन होता है इसे कहा जाता है तंत्रिका संचारी या इसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर किसे कहते हैं यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि पुट्टिका से जो क्या होता है रासायनिक विमोचन होता है, पुट्टिका से जो केमिकल निकलता है उसे हम क्या न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोन से निकलने वाला जो केमिकल्स हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर या तंत्रिका संचारी कहा जाता है। कहाँ बनता है आपके सिनेप्टिक नोम में बनता है, इन दोनों के बीच का जो ये गैप दिख रहा है ना एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के बीच इन दोनों के जो गैप है इसे बोला जाता है सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक इसको सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। इस दरार को यहाँ पे दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से तो मैसेज को पास करने के लिए क्या था विद्युत केमिकल एक दूसरे कनेक्ट है तो विद्युत फॉर्म में पास हो सकता है, जैसे अगर कहीं पे वायर टूट जाती है घर के तो उससे आगे क्या नहीं होते करंट पास नहीं होते, वैसे एक नोब से दूसरे नोब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो है एकदम कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं हुए तो इससे इलेक्ट्रॉन कैसे पास होंगे, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते, तो इसी रीजन से क्या होता है लास्ट में से दोबारा क्या है इसे केमिकल रिलीज करने के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करने पड़ते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है रिलीज होके जो है बीच में जो क्या होती है दरार है जो उसको क्या होता है भर देती है, यहाँ से ये रिलीज हुए यहाँ बीच में जितनी भी दरार है इसको भर दिए दरार होने ये आगे रिलीज हो गए, तो यहाँ पे जो क्या है ग्राही लगी हुई है जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो क्या कहते हैं उसे दोबारा से ग्रहण कर लेते हैं, दोबारा से प्रोसेस बॉडी में शुरू हो जाती है। दो तरह से भी हो सकते हैं, ये तो केमिकल फॉर्म में कुछ न्यूरोन में क्या होते कनेक्ट होते हैं, जैसे ही ये न्यूरोन है यहाँ से दोबारा कनेक्ट हो रहा है बीच में गैप नहीं होते, तो ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं उनमें विद्युत फॉर्म में ही नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं, विद्युत फॉर्म में जो ट्रांसफर होता है तो वो क्या केमिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन सारी जगह जो है हमारी बॉडी में न्यूरॉन कनेक्ट नहीं हो सकते है ना। अगर माना ये क्या है सेल, ये सेल का गुच्छा है न्यूरॉन, ये सेल का गुच्छा है ठीक है, न्यूरॉन आएंगे तो न्यूरॉन कहाँ होंगे यही होंगे यहाँ बीच वाले सेल में, ये जो बीच वाला सेल है यहाँ पे कैसे
पहुंच पाएंगे। लेकिन मैसेज तो हमें इस सेल को भी देना है ना, हमारी बॉडी में जितने जितने सेल है सारे सेल काम करते हैं, जैसे न्यूरॉन सारे काम करते हैं ताकि न्यूरॉन तंत्र बन रहा है, उसी तरह से हमारी बॉडी के जितने सेल्स होते हैं सारे काम करते हैं। तो इसको भी मैसेज पहुंचाना है, तो मैसेज यहाँ तो न्यूरॉन पहुंच ही नहीं रहे, तो इसको मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? तो यहाँ पे तो मैसेज क्या डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या केमिकल, जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे केमिकल फॉर्म में मैसेज जो है आगे डिलीवर किया जाता है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से मतलब हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये आपका यहाँ पे होता है तंत्रिका तंत्र। इसके बाद एक और चीज आती है। अच्छा पहले ये जान लो कि तंत्रिका तंत्र में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे कैसे हुआ था। एक फ्रीज से ले लो, जैसे कि माना यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम किचन में गए और कोई गर्म चीज हमारे हाथ में लगा, मतलब कोई उष्मा वाली चीज, कोई हीट हमें महसूस हुई। तो ये हीट क्या होती है, हमारे हाथ ने महसूस की, मतलब हमारे क्या हाथ या हमारी त्वचा तक गया। त्वचा ने क्या करा, उसे न्यूरॉन में भेजा, न्यूरॉन न्यूरॉन के थ्रू क्या गया, वो तंत्रिका तंत्र में गया। उसके बाद जो होता है वो हमारे मेरु रज्जु में जाता है, मेरे रज्जु में जाते हमारे हमारे शरीर के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे कनेक्ट होकर कहाँ थे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आते। जैसे कि हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे बॉडी से जितने भी मैसेज आ रहे हैं इस तरह से हाथ पांव लेके, ये सारे मैसेज जो कहाँ आते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये सारे फिर न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह से मिल जाते हैं और एक बंडल के फॉर्म में यहाँ से, माने यहाँ पे हमारा ब्रेन है, तो ये हमारे ब्रेन में मैसेज पहुँचाते हैं। तो इसी तरह से जो न्यूरॉन है वो कहाँ जाते हैं, आपके मेरु रज्जु में या स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। फिर कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में कहाँ, सेरेब्रम में जाता है। सेरेब्रम वाला जो भाग है इसे पर मस्तिष्क भी कहा जाता है, वो मेन पार्ट होता है हमारे सोचने समझने के लिए। ब्रेन में जाता है, ब्रेन में क्या होते उस सूचना को क्या होते उस सूचना को लेता है, उसके बाद उसमें संसाधन करता है, यानी उसे संशोधित करता है, और उसमें क्या करता है, सोचता विचार, संसाधन ये समझ में सोचता विचार रखता है कि जो सूचना मुझे मिली है इस सूचना का करना क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या परफॉर्म हमें करना चाहिए। तो सूचना को संसाधित करता है, फिर वहाँ से क्या करता है, वहाँ से फिर वो एक मैसेज छोड़ता है, एक सूचना देता है, और उस सूचना के द्वारा जो सूचना देते हैं वो सूचना फिर हमारी कहाँ आती है, पेशी में आती है, और पेशी जो हमारा शरीर है उस तरह से क्या करता है, कार्य करता है। बात आगे समझ में होता है क्या है, जो भी हमें मैसेज इन्वायरमेंट से मिलती है, हमारी स्किन, हमारी आँख, नाक, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो उसको महसूस करती हैं, और उस सूचना को फिर क्या करती हैं, न्यूरॉन ग्रहण करता है। न्यूरॉन कहाँ भेजता है, मेरे रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है, ब्रेन में जाती है, ब्रेन में उस सूचना में प्रोसेस होती है, ब्रेन डिसाइड करता है कि हमने करना क्या। जैसे कि हमारा हाथ माना कहीं गर्म प्रेशर पतीले कुछ में लग गया, तो ब्रेन अब ब्रेन को मिला कि जो हमारी बॉडी है उसको क्या है, नुकसान पहुंच रहा है, उसे हीट पहुंच रहे हैं, जिससे क्या होते हैं बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ब्रेन में जाता है, ब्रेन सोचता है कि करना क्या, हाथ हटाना है, नहीं हटाना, रहने दो, क्या करना है। तो ब्रेन में वो सारी प्रोसेस होती है, फिर ब्रेन क्या मैसेज भेजता है कि हाथ को क्या कर दो, हटा दो, हाथ हटा दो। तो ब्रेन ने मैसेज भेजा हार्ट हटा दो, फिर से यहाँ से न्यूरॉन में जाता है, फिर से न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, फिर से स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगी, ऐसे समझ लो। जैसे ये हुआ सूचना यहाँ गई, यहाँ से ब्रेन में गई, ब्रेन में क्या होते हैं, ब्रेन में मेरु रज्जु में भेजी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड फिर यहाँ पे क्या भेजेगी, पेशियों में भेजेगी, और पेशी क्या त्वचा में भेजेगी, त्वचा जो है उस माना यहाँ पे हाथ है, हाथ को क्या मैसेज देके ब्रेन ने कहा कि हटा दो, तब जाके हाथ हटेगा। तो कुछ लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा है ना, अगर मतलब बहुत ज़्यादा हीट में हमारा हाथ पड़ेगा तो इतनी देर में तो क्या हो जाएगा, हाथ हमारा जल जाएगा। अच्छा कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने वो करा तो है लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं था, जैसे कि हम चलते हुए कहीं पे हमारे पाँव में कांटा लग जाए तो हम एकदम झटके से उसको हटा देते हैं, बिना सोचे समझे कि हमने हटाना था, नहीं हटाना था, कुछ प्रोसेस नहीं होती है बॉडी में या ब्रेन में, बस हम झटके से हटा देते हैं। कहीं गर्म में हमारा हाथ लग गया तो हम झटके से हटा देते हैं, तो ऐसे कैसे होता है, इतनी लंबी प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। जैसे कि हम लिखते हैं तो हम पहले ब्रेन में सोचते हैं कि मुझे ये लिखना है, पेन पकड़ते हैं फिर लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर कांटा जो है ना, तो हमें
ये नहीं सोचना है कि कांटा चुप गया, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आता। हम झटके से बस अपने हाथ या पाँव को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती, ये जो क्रिया होती है हमारी बॉडी में, इस क्रिया का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इस क्रिया का जो स्पेशल नाम है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे है, पहले तो थोड़ा ये जान लो प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। जैसे कभी ऐसा लगता है कि हमने क्या अचानक से कोई काम कर दिया, जब हम कोई काम क्या अचानक से कर रहे हैं उसमें हमने कोई सोचा विचारा नहीं, बिना सोचे विचारे हम कोई काम कर रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में ही ये चीज़ नहीं थी और हमने बस कर दिया। ऐसा कभी ऐसा हुआ कि हम क्या कहीं पे पाँव रखना चाहते हैं लेकिन हमें वहाँ पर क्या लगता है यार नहीं रखना है, हाँ फिर दूसरी जगह में रखते हैं, फिर वहीं पर रखते हैं, फिर वहाँ पर, ऐसा कई बार हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पर देखा, मैं सोच यहाँ पर नहीं, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है। कैसे, हमारे ब्रेन में मैसेज गया कि मुझे हटाना है, यहाँ पे कुछ खतरा है, ब्रेन में चलो हटा दो, लेकिन फिर से दोबारा से ब्रेन में मैसेज आता है क्या कि नहीं हटाना है, यहाँ पे भी यहीं पे रख देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब तक ब्रेन दोबारा मैसेज भेजता है उसके पास एक और मैसेज ऑलरेडी तब तक चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जो टाइमिंग चाहिए थी वो प्रॉपर टाइमिंग ब्रेन को मिलती नहीं है कंट्रोल करने को बॉडी को, इसलिए हमारा क्या वहाँ पे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला तालमेल है ना वो बैठता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है हम लड़खड़ा के कई बार गिर भी जाते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया आपको समझ आ गई, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ते, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अचानक से कोई काम हम कर लेते हैं या बिना सोचे समझे, जिसमें हमें ये लगता है हमारा कंट्रोल नहीं था इसमें, बस ये अचानक से हो गया, तो ये होती है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे, जैसे कि हम कोई अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब किसी काम के लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसे अनुक्रिया कहते हैं। जैसे मतलब कोई क्या था, कहीं पे हीट था, बहुत ज़्यादा गर्म था, हमने टच किया एकदम उसके अगेंस्ट हम चले गए, उसके हमने हाथ हटा दिया, तो क्या, जैसे कि माना यहाँ पे उष्मा थी, हमें टच किया, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो तंत्रिका होती है उसको महसूस करती है, मतलब स्किन महसूस तो क्या ज्ञानेंद्रिय करती है, तंत्रिकाओं को जैसे ही क्या करता है मैसेज मिलता है, ये मैसेज को लेके पहले कहाँ जाएंगी, हमारी मेरु रज्जु में जाती है। यहाँ पे माना ये हमारी क्या है, मेरु रज्जु में जाती है, यहाँ पे मेरु रज्जु में गई, और यहाँ से मेरु रज्जु में जाने के बाद जनरली क्या होना था, यहाँ से कहाँ जाना था, इसने ब्रेन में जाना था ब्रेन में जाता, वहाँ पर संसाधित होता, फिर ब्रेन मैसेज भेजता, फिर वापस क्या आता हमारे मेरु रज्जु में आता। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र ने जो मैसेज लिया था वो ब्रेन में जाता है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है या मेरु रज्जु में जाता है, वहाँ से क्या होता है ब्रेन में ना जाके स्पाइनल कॉर्ड से ही ये क्या वापस एक तंत्रिका तंत्र द्वारा भेज दिया जाता है, जो जो किसमें हमारी पेशियों को भेज दिया जाता है, और पेशियाँ क्या है जल्दी से उस कार्य को कर देती। अब लग रहा है, दिख रहा है टाइम कितना है, उसमें हीट को पता सीधा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने ही यहीं पे उसको मैसेज दे दिया कि क्या करो तुम आगे, उसे यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड को पता चल गया कि अगर मैं इस मैसेज को ब्रेन को सौंपता हूँ कि जाके तू परफॉर्म कर, तू देख क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तब तक क्या बहुत लेट हो जाएगा, तब तक जो मेरी बॉडी है उसको क्या नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत से डिसाइड करती है करना क्या है, करना है, उसको पता चला कि यहाँ से हाथ को हटाना है, तो तुरंत से यहाँ से क्या मैसेज देती है किसको, आप दूसरे न्यूरॉन को, दूसरी तंत्रिका कोशिका दूसरे न्यूरॉन को क्या करती है मैसेज देती है, वो मैसेज जल्दी से पेशी के पास जाता है, पेशी क्या करती है उसको उसको परफॉर्म करती है और हाथ वहाँ से हटा देती है, जो भी प्रोसेस हो रही होगी उसको क्या हटा देती है। तो इस तरह से जो हमारा जो तंत्रिका, जो हमारा ये प्रतिवर्ती क्रिया है ये काम करता है। तो यानी प्रतिवर्ती क्रिया बना कहाँ पे, आपका मेरु रज्जु में बना। ये बनता क्यों है प्रतिवर्ती क्रिया, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया की जो कार्य क्षमता है या तीव्रता है वो क्या होती है, हमारी ब्रेन से कहीं ज्यादा होती है, हमारी ब्रेन से कहीं, यानी ये अति शीघ्र काम करती है। इसकी जो कार्य क्षमता की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ब्रेन, ये ब्रेन से बहुत जल्दी काम कर लेती है। यहाँ जब भी हमें क्या इमरजेंसी में काम करना होता है तो उस समय हमारी क्या करती है प्रतिवर्ती क्रिया ही वहाँ पे काम आती है। यहाँ पे जो ये प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु में जो ये प्रोसेस होती है, मेरु रज्जु में जो बनता है,
यानी कि जो ये आने वाली तंत्रिका और जाने वाली तंत्रिका के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप का क्या काम है? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने का, है ना। दूसरा, इसमें जो ये उष्मा को स्पाइनल कॉर्ड तक जो आपके न्यूरॉन लेके आते हैं, उसे हम कहते हैं आगत, आगत तंत्रिका तंत्र। और जो ले जा रहे हैं उसे बोलते हैं निर्यात तंत्रिका तंत्र। दूसरे, ये लेके आ रहे हैं तो इसको एक और नाम कहते हैं, इसे संवेदी तंत्रिका तंत्र। ये मैंने ये संवेदना को ग्रहण करके लाई मेरुरज्जु, ये स्पाइनल कॉर्ड में लेगी। उसके बाद जो ले जाती है उसे हम प्रेरक, प्रेरक यानी मोटर, प्रेरक तंत्रिका तंत्र या प्रेरक न्यूरॉन भी कहते हैं। तो यानी कि जो हमारा प्रतिवर्ती चाप बन रहा है किसके बीच में बन रहा है? हमारी आगत तंत्रिका तंत्र और निर्गत तंत्रिका तंत्र के बीच में बनता है, या हमारे संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र के बीच में बनता है। तो इस तरह से जो हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, दो जगह हमारा जो ये काम प्रोसेस चलता है। एक तो हमारा क्या चलता है, स्पाइनल कॉर्ड में चलता है प्रतिवर्ती चाप जब वो बनता है। दूसरा, हमारा ब्रेन में ये सब काम चलता है, हमारा ब्रेन जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये तो बात होगी प्रतिवर्ती चाप की। प्रतिवर्ती चाप बनता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को जल्दी से काम करना होता है, जल्दी से फंक्शन करना होता है। प्रतिवर्ती चाप बनने के एक दो कारण और भी है। जैसे क्या होती है, जब क्या होती है, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं या हमारी ब्रेन से लेके समझ लो, जैसे ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है, सोचने का काम होता है, सोचने का काम। जब ये सोचने का काम क्या होता है, धीमा होता है ना। वैसे सोचने का काम धीमा होता है, बहुत तेज चलता है ब्रेन। तो फिर भी कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं होता है और उनका जो सोचने का काम है वो कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। धीमा होने का मतलब क्या है, क्या है, या उनका जो ब्रेन में जो न्यूरॉन है धीमा क्यों होगा? क्योंकि जो न्यूरॉन है या तो क्या है वो अपसेंट है, या क्या है वो अल्प विकसित है, या पूरी तरह से वो डेवलप ही नहीं होता है। इस कंडीशन में जब वो अपसेंट हो या पूरी तरह से क्या डेवलप नहीं हो, तो हम उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से सोच विचार नहीं सकता, जो पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकता कि करना क्या है बॉडी के साथ। तो उस कंडीशन में क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप ही उन विचारों का सहारा होता है उनकी बॉडी में। तब क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप ही बनता है। तो इस प्रतिवर्ती चाप का एक बनने का कारण तो यह है कि जब क्या ब्रेन या न्यूरॉन्स जो है फुल्ली डेवलप नहीं होते या अब्सेंट होते हैं, जिस केस में, उस केस में क्या होता है, हमारा प्रतिवर्ती चाप बनता है। लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स में भी प्रतिवर्ती चाप बनता है ना। अभी अभी हम मैंने बताया किस कंडीशन में बनता है, तो उनमें क्यों बनता है, उनमें तो क्यों, ब्रेन भी फुल्ली डेवलप है, न्यूरॉन फुल्ली डेवलप है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि न्यूरॉन फुल्ली डेवलप हो या ना हो। उनमें भी इसलिए बनता है कि ब्रेन और न्यूरॉन का जो कोऑर्डिनेशन टाइमिंग है वो क्या है, काफी है। जबकि जो प्रतिवर्ती चाप है वो जो है इन दोनों की अपेक्षा फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी बहुत जल्दी डिसाइड कर सकता है, बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकता है। यानी कि प्रतिवर्ती चाप जो है वो न्यूरॉन और ब्रेन के अकॉर्डिंग ज्यादा दक्ष प्रणाली, दक्ष प्रणाली है ये। दक्ष प्रणाली जो है ना, ये साइंस की लैंग्वेज जो कि एनसीईआरटी बुकों में दे रखी है ना। नॉर्मली बोलने के, समझने की बात है कि इसके अकॉर्डिंग क्या बहुत जल्दी से परफॉर्म कर लेता है, इसलिए हमारी बॉडी को जब जरूरत लगती है जल्दी से काम करने की, तो वहां पे क्या होते हैं, प्रतिवर्ती चाप बनता है। तो ये तो हो गया आपका आगे आज का लेक्चर। कल का लेक्चर जो अभी हमने न्यूरोन के बारे में पढ़ा, न्यूरोन में हमने पढ़ा कि जो कंट्रोल होता है वो क्या, उसमें ब्रेन का भी मेन रोल है। तो हम कल ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन में जो सोचने समझने, जो डिसाइड करने, जो कंट्रोल करने की पावर होती है वो कहाँ होती है, ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, वो तो कल का लेक्चर हो गया। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो एक तो ये बताना है आपको कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप बनता कहाँ है, प्रतिवर्ती चाप बनता कहाँ है, और हमारे शरीर में ज्यादा दक्ष प्रणाली कौन सी है, प्रतिवर्ती चाप या न्यूरॉन एंड ब्रेन। तो ये आपके लिए 3 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।